आर्ट और कल्चर को, फाइन आर्ट को खासकर, पहले एक ऐसा दौर हुआ करता था कि जब उसको एक तरह से सरकार का बहुत बड़ा संरक्षण होता था, मतलब अगर कलाकार कोई व्यक्ति है, कोई कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो वो बहुत महान है। आज के दौर में आप जो सरकारों की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, खासकर फाइन आर्ट के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। फाइन आर्ट के बारे में, ऐसा आर्ट के बारे में ऐसा मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग पॉलिटिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, आर्ट को इम्पोर्टेंट ही नहीं देते। छोटी सी बात है, दे आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स नॉट इन कल्चरल वे। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर किसको बनाना होता ना तो ये बनाते थे। बिल्कुल, इतने सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्यों नहीं एक आर्ट सिटी बनाते हैं। बिल्कुल, मैं जब से आया हूँ यहाँ पे, 32 साल में हूँ यहाँ पे नई मुंबई में, तब से मैं पीछे पड़ रहा हूँ, एक आर्ट गैलरी नई मुंबई में बना दो। लेकिन क्या होता है कि वो समझते नहीं है। अभी जहांगीर आर्ट गैलरी है, दुनिया भर के लोग एक गैलरी के लिए, एक गैलरी के लिए, बिल्कुल वहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, एकोमोडेशन ही नहीं मिल रहा है। हाँ, और इतने सारे लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, नहीं मिलेंगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो उसको देता है, वो उसको देता है, बिरार वाले को दे दिया, यूपी वाले को दे दिया, दिल्ली वाले को दे दिया। नहीं ना, इट्स अ नेशनल प्लेस। यस, बिल्कुल। सो व्हाई नॉट वन मोर गैलरी इन नवी मुंबई, वी आर इफ यू आर टॉकिंग 21st century सिटी। यस, परफेक्ट। क्यों नहीं हो रहा है? इतने सारे ब्रिजेस हो रहे हैं, इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, इतने सारे मेट्रो आ रही है, एक गैलरी नहीं हो सकती है? कौन क्या क्या कैसे होता है कि अगर गैलरी नहीं तो हम क्यों ड्राइंग निकालेंगे कहाँ? हमको तो जहांगीर में मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सात साल वेटिंग करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो बदलाव है ना, वो बदलाव वहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अगर हम जब भी मैं परदेश में जब भी सिखाता हूँ, तभी लोग वहाँ पे गैलरी होती है, लोग डिस्प्ले करते हैं, लोग शांति से चित्र देखते हैं। आज हम लोगों के पेरेंट के पास टाइम नहीं, हम लोग सिर्फ 80% 90% 99% 1% नहीं मिला तो भी बच्चे के साथ झगड़ते हैं, टीचर के साथ झगड़ते हैं, ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे। हाँ, बिल्कुल सही बात। ये क्यों कर रहे हैं? Because of, there is no alternative for your eyes. Yes, perfect. Not कोई विकल्प दूसरा है नहीं, है नहीं, विकल्प नहीं है दूसरा, विकल्प नहीं है। तो मुझे लग रहा है, हमेशा लगता है, आप अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक आर्ट गैलरी आप नई मुंबई में कर दो, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट है यहाँ पे, इतने सारे लोग है यहाँ पे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।